नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 इंडिया न्यूज में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की अपील का हुआ असर। जी हां, नोवेल कोरोना से सहमी दुनिया, पीएम मोदी की अपील का हुआ असर। लोगों ने घर से निकलने में बरती सावधानियां। कोरोना वायरस की भयानकता और दुनिया में इसके गंभीर परिणामों को देखते हुए पीएम मोदी द्वारा देश के लिए दिए गए संदेश का आज व्यापक असर देखने को मिला। लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचे और लोगों ने शुरू किया मास्क का उपयोग। बाजारों में फैला सन्नाटा, लोग एक दूसरे के संपर्क में न आने का कर रहे हैं प्रयास। कोरोना वायरस एवं पीएम मोदी द्वारा दिए गए देश के नाम संदेश का आज भीड़ से भरी रहने वाले बाजारों में, रोडों में दिखा व्यापक असर। आज इन जगहों पर कम दिखी लोगों की भीड़ और साथ ही भीड़ भाड़ की कमी के कारण व्यापारियों में छाई रही मायूसी। तो आइए जानते हैं आम लोगों को कोरोना वायरस के विषय में क्या सोचना। बांदा से हमारे संवाददाता प्रदीप अग्निहोत्री की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं? कोरोना वायरस जो है वायरस की बीमारी है जो कि सुबह से ज्यादा फैलती है। इससे बचने के बारे में आप क्या जानते हैं उपायों की? इससे बचने के लिए दूरी बनाए रखे, भीड़ भाड़ में जाए मास्क लगाए और हाथ धोए साबुन से, निरमा से और डेटॉल से। ये सुबह की बीमारी है। हाँ, ये अपने घर से न निकले, अधिकतर ये ध्यान दें कि घर के अंदर रहें, बाहर न निकले जिससे ये फैल न पाए। कोरोना वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं? कोरोना वायरस के बारे में हमने जो सुना है लोगों द्वारा पेट्रोल पंप में, वहाँ सुना है पेट्रोल पंप में कि कोरोना वायरस एक जुर्म बीमारी है जो लोगों के एक दूसरे के संपर्क से फैलती है। इसके बारे में सुना है कि इसमें गले में लोगों की सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, होती है, बदन में दर्द होता है, हल्का बुखार होता है। कोरोना वायरस से बचने के उपायों के बारे में जानते हैं आप? कोरोना वायरस से बचने के लिए ये है कि आप आदमी से एक मीटर की फासले की दूरी तो बनाए ही रहें और मुंह पे मास्क लगाए, घर से कम निकले और ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में जाने का प्रयास करें। कोरोना वायरस के बारे में आप क्या जानते हैं? कोरोना वायरस सबसे पहले चाइना में इसका प्रचार हुआ, वहाँ से ये बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति पैदा हो गई। वहाँ धीरे धीरे रोम में, इटली में और ईरान में फैलता चला गया। कुछ तब तो भारत में भी आ गए, जो विदेश से यात्री आए भारत में, इसका फैलना की आशंका हुई जो कि बहुत ही कम मात्रा में है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है कि बचाव ही इससे सबसे बड़ी सुरक्षा है। बार बार हाथ धोइए सैनिटाइजर से तथा मुंह में हाथ मत लगाइए और रुमाल का या मास्क का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। भीड़ भाड़ स्थानों में से बचिए, जहाँ चार या चार से अधिक व्यक्तियों का कतई नहीं इकट्ठा होइए, अपने घर में अधिक से अधिक रहिए। विशेष आवश्यकता पर बाहर जाइए, यात्रा करना है तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो तभी जाइए, मत जाइए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। स्वास्थ्य मंत्री देवेंद्र वो भी इसी में लगे हैं। भारत के सभी अधिकारी या शासन प्रशासन स्तर तक, बहुत युद्ध स्तर तक बताया जा रहा है कि अपना बचाव करिए, बचाव ही कोरोना का सबसे बड़ा उपाय है और ये फैलने न पाए। कोरोना वायरस के बारे में क्या जानते हैं आप? ये सूट है सारी जो है, इसमें जो है होता है, जो है एक दूसरे को टच करने में जो है बढ़ रहा है, होता हो रहा है। और इस बीमारी के कारण, कोरोना वायरस के कारण आपके व्यापार में क्या असर पड़ा? व्यापार में क्या खोल के बढ़ जाते हैं, सुबह जो है पश्चिम बैठे रहते हैं, 2,500 रुपये की दुकानदारी होती होता है और कुछ होता ही नहीं है, कोई आता ग्राहक है ही नहीं है। कोरोना वायरस के बारे में क्या जानते हैं आप? इसके बारे में बहुत सी समस्याएं होती हैं, इसे एक दूसरे से हाथ भी न मिलाना चाहिए, एक मीटर दूरी रहना चाहिए और इसमें कोई छींकता हो उसके पास न खड़ा होना चाहिए, अपनी छींक अपने समझ से पास ही रखना चाहिए, कोई किसी के पास न छींकना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब किसी से हाथ तो मिलाना ही न चाहिए, ऐसी बीमारियाँ चाहिए। खाना हुआ खाओ, जब खाना खाते समय के पहले उसे साबुन से हाथ धुल लें, इसके बाद भोजन करें, एक दूसरे के पास बैठे उठे नहीं। और क्या बोलना, क्या काम करते हो? काम क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ना ही तो कोई आय मिल रही है, ना कोई सवारी वगैरह निकल रही है और ना ही तो जो है कुछ तरक्कत दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस के बारे में क्या जानते हैं आप?
हाथ धोना पहले अनिवार्य है और हाथ मिला करके हाथ न मिलाएं, दूरी से नमस्कार करें और स्वच्छता बनाए रखें और किसी भी आदमी के पास नज़दीक न बैठें, बीमार आदमी के पास न जाएं, खांसते छींकते मुँह में कपड़ा लगा के रखें। इसकी सुरक्षा के बारे में, इसकी सावधानी के बारे में कोरोना वायरस की आप क्या जानते हैं? इसकी सुरक्षा सिर्फ एक चीज़ से कर सकते हैं कि घर से बाहर ना निकले और जब भी निकले तो मुंह पे मास्क लगा लें, आँख नाक पे, और अपना हाथ जो है आँख पे नाक पे ज़्यादा और मुंह पे ना लगाएं। अगर लगाना है तो इसको बार बार हाथ अपने साबुन से धुलें और ज़्यादा ही यही है कि घर से बाहर ना निकलें और लोगों को ना टच करें।